मंदिर में तो मुबारक हो दोस्तों, क्योंकि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद उन चंद लोगों में शामिल हो जाएंगे जो गोवा की बेस्ट नाइट पार्टी को एंजॉय कर पाएंगे, वो भी फ्री एंट्री के साथ। स्वागत है आपका रोड्स लॉग्स में। ऑलराइट गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ इतना सदच के जा रहा हूँ। तो पहली बार गोवा में हम लोग साउथ गोवा में प्लानिंग बनाए थे कि रात को कहीं डिनर के लिए बढ़िया जगह जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। द लॉस्ट हॉस्टल का ओपन माइक परफॉर्मेंस वगैरह है आज, लाइव म्यूजिक वगैरह है, सुंदर सुंदर कन्याएं नाचेंगी, हम भी नाचेंगे। दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम लोग हमारे स्पॉट पर। तो मैं आपको बताने वाला था कि कैसे यहाँ पर एकदम भयंकर माहौल रहता है। अरे चल को आपको अंदर चल के माहौल दिखाते हैं, ठीक है। आज वेस्टर्न कल्चर वाले लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। आमतौर पर यहाँ पे मतलब अगर आप नहीं भी रुकेंगे तो भी आप यहाँ पर आ करके ऑलवेज वेलकम है। तो जगह का नाम है द लॉस्ट हॉस्टल, जो कि पालोलम बीच में है। सो ये इंजॉय करने के लिए आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे जितने भी सोलो ट्रैवलर्स हैं, आई वुड रिकमेंड कि साउथ गोवा में अगर आप आते हैं और अगर आपको कोई हॉस्टल चाहिए तो मेरे हिसाब से बेस्ट हॉस्टल है द लॉस्ट हॉस्टल। तो आज ओपन माइक है, वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका लाइव बार काउंटर है और ऊपर पीछे पूरा हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल के बारे में डिटेल में जब म्यूज़िक ख़त्म होगा उसके बाद सुनाऊंगा, नहीं तो वो आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। आप बस वाइब देख लो, कितना बढ़िया वाइब है यहाँ का। पीछे भी बैठने का जगह है और इधर भी बैठने का जगह है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। देख लो मेरे आस पास क्या माहौल है, ठीक है। बैठे हैं फुल वाइब में एकदम, पीछे लेडी क्या गाना गा रही है भाई, एक नंबर गाना गा रहा है, ठीक है। और जिनको मतलब म्यूजिक एंजॉय नहीं करना है, सीट मिलते ठेका पड़ा हुआ है, ठेका में बैठे दबा के दारू पिए। ये हमारे बार वाले भैया जो हमको अटेंड करेंगे और आपको जो भी चाहिए सब एकदम विद इन 2 मिनट्स बना के देते हैं। आपका नाम? फिलहाल आप देख लो लाइव म्यूजिक चल रहा है ना, ये लाइव काउंटर पड़ा हुआ है और यहाँ पे पूरा एकदम फुल माहौल में एकदम, ठीक है। पूरे काले सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये लेडीज भाई जबरदस्त गाना गा रही है, लेकिन ज्यादा हम लोग कवर नहीं कर सकते। और ये भी हमारे भैया है, ऑलवेज रेडी, जो चाहिए मिलेगा एकदम, बस वो चीज़ें लीगल होनी चाहिए दोस्तों। आई थिंक कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन में कोई दूसरा सॉन्ग आया है तो वो बजाने वाले हैं, क्योंकि जंगल मेलोडी करके नाम है ये आर्टिस्ट का और ये सारे फॉरेन आर्टिस्ट हैं, ये भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो आइए गाइस इनको सुनते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। So we're Jungle Melody, I hope you enjoy this evening. Can I get a random applause for Long? So ये दो आर्टिस्ट का नाम था जंगल मेलोडी, जो एम्स्टरडैम से थे। बाद में मैंने इनसे बात भी की, बहुत ही प्यारे बंदे थे। और ये जो लेडीज़ बैठी है यहाँ पे, ये उनकी मदर है और इनके गाने में बहुत बढ़िया अकेले डांस कर रही थी जो हम शूट नहीं कर पाए। तो शुरुआत में तो ये ऑडियंस के साथ जेल करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट सरप्राइजिंगली जैसे ही इन्होंने मतलब गोवा में बजने वाला सबसे फेमस लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो मेरे भी पर्सनल फेवरेट है, मिस्टर लकी अली। तो उनका जो सबसे फेमस गाना था वो सनम, वो गाना जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया पूरी ऑडियंस इनके साथ हो गई और हम लोग सब भी हम करने लगे इनके साथ। और क्या वाइब था दोस्तों, क्या बोलूँ, मतलब धीरे धीरे जो मौसम था ना एकदम गर्माने लगा और हम लोग एकदम माहौल में आने लगे और जेल करने लगे। और आप भी जब यहाँ पर आएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन जगह है लॉस्ट हॉस्टल। सरप्राइजिंगली इस जगह को मुझे खोजना नहीं पड़ा, एक्चुअली हम यहाँ पर आए थे खाना खाने के लिए एक दिन और उन्होंने बोला कि यहाँ पर लाइव म्यूज़िक है कल, सर आप बिल्कुल आइएगा। तो हमने पूछा कि आपको क्या हम यहाँ पे रह सकते हैं, तो बोला नहीं आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, आप म्यूज़िक आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। और आप मेरे को देख ही रहे हो कि कैसे मैं अपने दोस्तों के साथ फुल इंजॉय कर रहा हूँ और कितना क्राउड था यहाँ पे, और मतलब सीट बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस टाइम पर हम लोग यहाँ पर आए थे पूरे साउथ गोवा में फ्री एंट्री में ओपन वाइब में लाइव म्यूज़िक इतना अच्छा, जहाँ पर आपको एम्स्टरडैम के लाइव
परफॉर्मर मिल रहे हैं, साथ में इंडियन के भी लाइव परफॉर्मेंस मिल रहे हैं देखने को, वो भी फ्री एंट्री के साथ, वो रेयर ही देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वी वर लकी दैट डे दैट वी गॉट चांस टू विजिट दैट प्लेस। बस फिर क्या था, देसी गाना सुनते ही हम भी सारे गाने लगे साथ में और माहौल को इन्जॉय करने लगे। सब थोड़ा थोड़ा दो चार पैक डाउन थे और ठंड का समय था, मौसम एकदम हसीन हो रहा था, हम भी लाइफ को इन्जॉय कर रहे थे और लग रहा था कि वक्त वहीं पे एकदम थम गया, और लग रहा था कि वो रात बस ख़त्म ही ना हो और हम बस ये लाइव परफॉर्मेंस इन्जॉय करते रहें और दोस्तों के साथ ये रात कभी ख़त्म ही ना हो। और लाइफ में क्या चाहिए दोस्तों, यही तो चंद सुकून के पल हैं जो ढूंढने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। और हम भी जब यहाँ पे गए तो हमें भी लग रहा था कि वाओ, सीरियसली क्या बोलूँ मैं। सो आफ्टर दैट ब्यूटीफुल लाइव परफॉर्मेंस, कुछ डांस परफॉर्मेंसेस भी हुए जो हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, बट मेरी नज़र पड़ी खाली सीट पर जो कि उस रात बहुत ही रेयर था। तो हमने सीधा पकड़ा अपना सीट और कर दिया खाना ऑर्डर और खाना इन्जॉय करने लगे। बट जैसे ही खाना इन्जॉय कर ही रहे थे कि आ गया अपना एक देसी छोरा, और जो माहौल बनाया इस बंदे ने बता नहीं सकता आपको। उस रात इस बंदे ने हमें इतना नचाया है देसी गाने गा गा कर, मतलब मज़ा ही आ गया दोस्तों। पूरा खाना हम लोग का एकदम डाइजेस्ट हो गया था उसी एक रात डांस करते करते, और हम सब में लगता है इसको कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी, कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय कर रहा था उस रात। और इसी के साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन शाम बिताने के बाद इन हसीन लम्हों को मैं अपने दिल में हमेशा के लिए कैद करके चला गया वापस अपने होटल और अगले दिन की शुरुआत के प्लानिंग में लग गया। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा यहाँ का जो हॉस्टल है आपको कैसा लगा और हॉस्टल का वाइब कैसा लगा। हॉस्टल का नाम है द लॉस्ट हॉस्टल। अगर आप बुक नहीं भी करते हैं वहाँ पे तो भी वहाँ के जो लाइव म्यूज़िक वगैरह है और जो ओपन पब और रेस्टोरेंट है उसमें आराम से आप जा कर के बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना था कि अगर आपको इस तरीके का माहौल चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जैसे नॉर्मली अगर आप कहीं भी देखेंगे आप फॉरेन कल्चर के आर्टिस्ट होते हैं जो मतलब परफॉर्म करते हैं, या नॉर्मली जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो इस तरीके का हाई लेवल परफॉर्मेंस देते हैं और वाइब जो बनता है, ये अक्सर ऐसे जगह बनता है जहाँ एंट्री फीस ही 2-3 हज़ार होता है। तो मेरे हिसाब से फ्री एंट्री में और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलना थोड़ा रेयर ही होता है, वो भी साउथ गोवा में। तो अब मेरा तो काम है आपको बताना कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा। तो यहाँ तो मनी लगा ही नहीं, एंट्री एकदम फ्री। अब आप जो खाएं चाहे खा सकते हैं, जो पीना चाहे पी सकते हो, वो आपके ऊपर है। वहाँ जा कर के आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा ये वाला मेरा जो मैंने आपको खोज के दिखाया है रात को पार्टी के लिए वाइप वाला जगह, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, शब्बक है, जहाँ रहें खुश रहें।